बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीआरटीजी सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है। पीआरटीजी स्टैंड फॉर पैसिलर राउटर ट्रैफिक ग्राफर। पीआरटीजी विंडोज़ पर मबनी सिस्टम्स के लिए एक जामिया नेटवर्क मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। ये तमाम साइज़ के नेटवर्क के लिए मौजू हैं, लाइक लैन, वैन, वायरलेस लैन, वीपीएन मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप फिज़िकल या वर्चुअल वेब मेल या फाइल सर्वर, लिनक्स सिस्टम्स, विंडोज़ क्लाइंट्स, राउटर्स और बहुत कुछ डिवाइसेस की मॉनिटर कर सकते हैं इसके थ्रू। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम आपकी 64 MB रैम और रिकमेंडेड 128 MB, या इससे ज़्यादा हो तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिटवीन 25 KB एंड 300 KB डिस्क स्पेस पर सेंसर पर डे फॉर द मॉनिटरिंग डेटाबेस। आपके पास TCP/IP नेटवर्क कनेक्शन यानी कि IP होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 4.0 या 4.5 होना चाहिए। इंटरनेट ब्राउज़र कोई भी OS आपकी विंडोज 7, 8, 10, चाहे वो 32-bit है या 64-bit है, ये उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ है, जो लैंग्वेज आपको चाहिए आप उस लैंग्वेज के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ आपने लिखना है डाउनलोड PRTG। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह इसकी अपनी वेबसाइट है pacilar.com। आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड PRTG। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहां से प्रोडक्ट्स पे आते हैं। इसकी डिफरेंट इसके वर्जन्स हैं। पैसिलर PRTG मॉनिटर योर होल IT इंफ्रास्ट्रक्चर, PRTG नेटवर्क मॉनिटर मॉनिटरिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम IT, PRTG इंटरप्राइज मॉनिटर मॉनिटरिंग फॉर लार्ज एंड वेरी लार्ज IT, PRTG होस्टेड मॉनिटर होस्टेड मॉनिटरिंग फॉर क्लाउड एंड हाइब्रिड IT एक्सटेंशन फॉर पैसिलर PRTG एक्सटेंड योर मॉनिटरिंग टू अ न्यू लेवल। आपको जिस अगर आपकी स्मॉल या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। लार्ज है तो PRTG इंटरप्राइज मॉनिटर आप सॉफ्टवेयर इसका टूल डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ से अपने फ्री डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है फॉर टाइम सेविंग के लिए। अच्छा, यहाँ आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि नेटवर्क मॉनिटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल तकरीबन हर कारोबार इंटरनेट, अंदरूनी इंतज़ाम, टेलीफोन और ईमेल के लिए कंप्यूटर और नेटवर्क के बुनियादी ढांचे पर इंसार करता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सर्वर्स और नेटवर्क के आलात का एक पेचीदा सेट दरकार है कि कारोबारी डेटा मुलाजमीन, दफातर और सार्फिन के दरमियान बगैर किसी रुकावट के चलता है। किसी तंजीम के माशी कामयाबी डेटा के बगैर किसी रुकावट के बहाव से मजबूती से जुड़ी होती है। यही वजह है कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क को कामयाबी से काम करना है। काबिल एतमाद रफ्तार और कारकर्दगी बहुत अहम है, लेकिन दीगर तमाम तकनीकी अशिया की तरह नेटवर्क के आलात वक्तन फ़क्तन नाकाम हो जाते हैं, यानी कि पुराने हो जाते हैं और मुमकिन तौर पर परेशानी और फ़रोग के नुकसान के सबब बन सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुंतकली की कोई भी कोशिशें सामने की गई, आपको नेटवर्क अप टाइम और रफ्तार को बरकरार रखने के लिए 3 M इकदाम करने की ज़रूरत होती है। काबिल एतमाद अज़ा के साथ एक मंसूबा बंद नेटवर्क कायम करें। डिवाइस की नाकामी की सूरत में बहाली के मंसूबे बनाएं। नाकामियों के बारे में आगाह करने के लिए नेटवर्क की निगरानी करें जब वो वाक़िया हों या होने वाली हों। इसको मिनिमाइज करते हैं। मैंने चूंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, अब यहां आपने अपना ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और यहां लाइसेंस नेम और लाइसेंस की आपने एंटर करनी है। अगर आपके पास है, आपने परचेज़ की हुई है तो आप यहाँ मेंशन कर दें, अदरवाइज़ आप यहाँ क्लिक हेयर टू रिक्वेस्ट। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आपने लाइसेंस नेम PRTG ट्रायल और लाइसेंस की यहाँ से आपने कॉपी करनी है और यहाँ आपने पेस्ट कर देनी है।
नेक्स्ट करेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा इंस्टॉल होने में। कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट PRTG एडमिन इसका यूज़र नेम है और PRTG एडमिन डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड है। आप इसको लॉगिन करेंगे, ये इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आ गया। व्यू रिजल्ट्स, गेट हेल्प एंड सपोर्ट, इंस्टॉल स्मार्टफोन ऐप, डाउनलोड इंटरप्राइज कंसोल, करंट अलार्म्स, डाउन एक्नॉलेज, वार्निंग, अनयूजुअल और ओपन टिकट्स, लाइसेंस स्टेटस। अब ये ऊपर इसके टैब हैं, डिफरेंट होम डिवाइसेस, लाइब्रेरीज, सेंसर, अलार्म, मैप्स, रिपोर्ट्स, लॉग, टिकट्स, सेटअप। ये ट्रायल वर्जन है जो 30 डेज का है, 29 डेज लेफ्ट इसको ऑप्शन शो कर रहा है इसमें। अब यहाँ सेटअप में आके यूज़र इंटरफेस में अब यहाँ से PRTG साइट नेम इसका नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो सेटअप के अंदर ही अकाउंट्स सेटिंग के अंदर आके आप यहाँ से इसका अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं यूज़र अकाउंट के अंदर भी। अब सेटअप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिफरेंट इसके फीचर्स हैं। यूज़र इंटरफेस, मॉनिटरिंग, नोटिफिकेशन डिलीवरी, कोर एंड प्रॉप्स, यूज़र अकाउंट, यूज़र ग्रुप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, क्लस्टर और अकाउंट सेटिंग। अगर आपने अकाउंट की सेटिंग करनी है तो यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट, स्केजुल्स, ऑप्शनल डाउनलोड एंड टूल्स, PRTG स्टेटस सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो। अब सेंसर पर भी क्लिक करता हूँ, ये इसके डिफ़ॉल्ट इसने उठाया मैं सारा कुछ। अब सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर ये होते हैं कि जो आप इसके अंदर रूल क्रिएट करते हैं किसी भी डिवाइस के अगेंस्ट, जो आप रूल क्रिएट करते हैं, लाइक आपने उसकी CPU यूजेज देखनी है या उसकी हार्ड डिस्क स्पेस देखनी है या आपने बैंडविड्थ चेक करनी है कौन सी पोर्ट से कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, तो ये जो आप रूल क्रिएट करेंगे उनको आप सेंसर कहते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप इसके अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स जो हैं, आप डिवाइसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं इसको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।